Good morning, students. Today we are going to read poem Tamarind. Tamarind in Hindi, Imli. Through this poem, the speaker is talking about tamarind tree and his feelings, how it connects with tamarind trees. The poet tries to convey to us that we are being mindless and selfish in cutting down trees to make way for roads and buildings. When we cut down trees for such purposes, we are also killing a bit of ourselves by severing our deep connection with nature. The speaker wants to express his love for the tamarind tree. He says the tamarind tree drew him home each year with its fruit and shade. Which year he come at his home, that year he is unable to find his tamarind tree, its usual place by the lane. He looks for it everywhere desperately. He stops to think, and then he knows that his tree has been cut down. He was very disappointed. He feels very sad and tearful, as if his very soul had been ripped apart. He remembers sitting under it, enjoying its shade while staring at the hills in the distance. इस पोम के थ्रू स्पीकर जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश हो गए हैं, सेंसलेस हो गए हैं और अपने पर्पसेस के लिए ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं, उन ट्रीज़ को जिससे हमारी फीलिंग्स कनेक्ट है. टैमरिन ट्री के साथ स्पीकर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और वो अपने फीलिंग्स को इस पोम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो लेट वी हैव रीड. नोबडी नोज वेयर माय टैमरिंड स्टूड जस्ट बाय अ विंटिंग लेन. ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड एंड ड्रू मी टू माय होम अगेन. स्पीकर यहाँ बताते हैं कोई नहीं जानता कि मेरा वो टैमरिन ट्री कहाँ खड़ा है, जस्ट बाय अ विंडिंग लेन. विंडिंग इट मीन्स हैविंग अ कर्विंग एंड ट्विस्टेड शेप. स्पीकर बताते हैं कि बस वो जो कर्विंग और ट्विस्टेड रास्ते हैं बस वही बचे हैं. Each year it gave me fruit and shed. हर साल ये मुझे फ्रूट देता था, अपनी छाया देता था और मुझे अपने घर तक फिर से ले जाता था. I love to sit beneath her shady bough. Boughs it means large branches of a tree. ट्री की जो लार्ज ब्रांचेज होती हैं उनको बोलते हैं. And rest up for a while to gaze out upon the distant blue hills. With laughter and a smile. स्पीकर यहाँ बताते हैं कि जो टैमरिन ट्री की लॉन्ग ब्रांचेस थी उनके नीचे बैठे मैं रेस्ट करता था और जितनी देर में बैठा रहता था उतनी देर मैं दूर जो ब्लू हिल्स थी, नीली पहाड़ियाँ, उन्हें देखा करता था, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ. And now that I am back, I am eager to find my tamarind again. और अब जब मैं फिर से घर वापस आ गया
मैं बहुत ही एगर, इट मीन्स कि क्यूरियस, उत्सुक होना, अपने टैमरिन ट्री को फिर से ढूंढ रहा हूँ, बहुत ही क्यूरियस हूँ कहाँ है मेरा वो टैमरिन ट्री। आई हैजन डाउन टू दैट फेवरेट स्पॉट। हैजन इट मीन्स टू बी क्विक टू डू समथिंग। मैं अपने उस फेवरेट स्पॉट को ढूंढना चाहता हूँ। आई सर्च बट सर्च इन वेन, इन वेन इट मीन्स नॉट सक्सेडिंग। मैंने सभी जगह सर्च किया बट मैं सक्सेस नहीं हुआ फाइंड आउट करने में अपने उस प्यारे से टैमरिन ट्री को। देन आई स्टॉप एंड आई स्टेयर। स्टेयर इट मीन्स टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी चीज़ को आप लॉन्ग टाइम तक देखते हैं उसको स्टेयर कहते हैं, घूरना इन हिंदी। मैं रुका और मैंने चारों तरफ देखा। आई स्टैंड क्वाइट स्टिल, आई लिसन टू माई हार्ट। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा और उसके बाद मैंने अपने हार्ट की आवाज़ सुनी, अपने दिल की आवाज़ सुनी। दैट मैग्निफिसेंट ट्री दैट वॉज माई लाइफ। माई मैग्निफिसेंट इट मीन्स एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। वो ट्री जिससे स्पीकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, जो उनकी लाइफ थी, दैट वॉज माई लाइफ, जो मेरी लाइफ थी, हैज जस्ट बिन रिप्ड अपार्ट। रिप्ड अपार्ट इट मीन्स टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। यहाँ पे स्पीकर बताते हैं कि जो मेरी लाइफ थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, अट्रैक्ट था, वो टैमरिन ट्री कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इट मीन्स कि उसे काट दिया गया है। आई टर्न टू द हिल्स, माई आईज फिल्ड विद टीयर्स। मैं पहाड़ियों की ओर चला, मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सोल। और मैं श्योर था जो मेरे हार्ट के बिल्कुल नज़दीक था, मेरे दिल के बिल्कुल नज़दीक था, जिससे मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, मैंने उसे खो दिया। वेयर वंस इट इज टू टॉल, जहाँ एक बार वो लंबा खड़ा था, देयर्स नथिंग देयर नाउ, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मियरली एंड एम्प्टी होल, ओनली वहाँ पर, केवल वहाँ पर एक होल बचे हैं, एक खाली छेद बचा है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज एम्प्टी होल। सो स्पीकर इज मेंशन हियर अबाउट दिस एम्प्टी होल। सो स्पीकर कहते हैं कि बस अब वो एक खाली होल बचा है, वो छेद ही बचे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो पोम थी बहुत ही सेंसिबल थी, बहुत ही इमोशनल थी। हम पेड़ों को काफ़ी पर्पस के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए कट डाउन कर देते हैं, बट उन पेड़ों से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं, हमारी बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, वो हमें याद ही नहीं होती। तो स्पीकर जो है वो इस पोम के थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। सो द स्पीकर इन द पोम वंडर्स वेयर हिज टैमरिन ट्री हैज गॉन। He stares at the hills again, feeling as if he has lost his very soul, for there is nothing but a hole where his tamarind stood. So that was our poem, students. I hope you must have understood and you must have to think about the cut down of trees. Should we cut down or should we planted more trees? So students, once again you will read this poem.